हम लोग निकल चुके हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए। ये जूडियो मशीन है, हम लोग जो गोवर साइड बैग आते हैं बोरे अच्छा। थे जितनी मशीन थी ये इंजेक्शन मोल्डिंग करती थी, ये वाली भी, पर ये जो है ये एक्सट्रूजन के लिए। प्रशांत सर हमारे साथ और सुमिता मैम हमारी कोऑर्डिनेटर मैम। कटर बॉडी होती है लेंथ में रहती है, क्योंकि अभी ये जो है लेंथ में काम करेगा तो यहाँ से कुछ टकराना नहीं चाहिए ना इसे। इसे यहाँ पर ये लगाएंगे एनोड और ये हो गया कैथोड। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए। आपको पूरा टूर देंगे वहाँ का, वो प्लास्टिक इंडस्ट्री कैसी है, पूरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है हमारे साथ। कर लीजिएगा प्रशांत सर हमारे साथ और सुमिता मैम हमारी कोऑर्डिनेटर मैम। बहुत एक्साइटेड हम लोग, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग बताइए जरा। इको देखिए एक्साइटेड है आप लोग, कितना एक्साइटेड है। ये सब हमारे जूनियर्स भी साथ में है, तो हम लोग पूरा विजिट करेंगे, रिव्यू पूरा आप लोग दीजिएगा बाद में कैसा है। एक्साइटेड है सब। वो जहीर भाई कोई शायरी हो जाए। मेरा फूल मेरे फूल को दे देना तेरे फूल ने तुझे फूल दिया। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ऐज भाई हमारे शायरी सुनाना चाहेंगे, शायरी एक शायरी हो जाए। अरे अरे एक सुनाइए एक शायरी। गाइस आप देख सकते हैं हमारे कंडक्टर साहब काउंट भी कर रहे हैं, दिल्ली भी बहुत दूर नहीं है इनके लिए। आदम भाई आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली बहुत दूर नहीं है, कोई बात नहीं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रोजा रखा था हम लोगों ने जी, बहुत बढ़िया। अब ये वीडियो जाएगी कुछ हो ना हो। वीडियो मेरा कम आया, वीडियो कम आया, कमेंट बहुत आएगा। दिल्ली तो दूर की बात है, काकोरी भी ज्यादा दूर नहीं है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आज मैम आ गई है, देखते हैं क्या हो रहा। जी मैम ले ले रहा हूं। सब फोटो सेशन हो रहा है यहाँ पे। हाँ तो गाइस अब हम लोग एंट्री करते हुए सिक्योरिटी फोर्स देखो झाड़ू। चलिए अब देखिए एंट्री, ये गेट है जहाँ से हम लोग ने एंट्री कर ली है। अब ये देखिए सिक्योरिटी ऑफिस है यहाँ पे इनका। अब अंदर बढ़ते हुए देख सकते हैं आप लोग ये तीन भाई यार दोस्त जी। ये देखिए हम लोग ने वहाँ से एंट्री कर ली और वो सर हैं जो हमको पूरी विजिट कराएंगे। हाँ अभी तो हम लोग को कुछ पता नहीं है कहाँ क्या है, बस हम लोग फॉलो कर रहे हैं मैम को। दो पार्ट्स में करते हैं तो विजिट करना आसान रहेगा, तो 20-20 हो जाओ। हाँ भाई दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाओ सब लोग, 20-20 के ग्रुप। हम ही रह गए थे उधर। देखिए मेरा दोस्त बढ़ चुका है। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है कि प्लास्टिक के जो ग्रेनुअल्स होते हैं उनको हम एक फिनिश गुड में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उनकी टिल स्टार्टिंग फ्रॉम कंसाइजेशन से लेके टिल तुम्हारे एंड यूज तक पहुँचाने तक, ठीक है ना, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिविटीज, ठीक है। इनिशियली सबसे पहले अगर कोई प्रोडक्ट को हमें बनाना होता है तो सबसे पहले उसको क्या करना होता है, चलिए डिज़ाइन फेज होता है। डिज़ाइन फेज करने के बाद उसको कैड में जो भी डिज़ाइनिंग रहती है मॉडलिंग करते हैं, फिर उसके मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड बनाने के बाद उसको हम टूल रूम में रहते हैं, उसका एक मोल्ड का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास सीएनसी मशीनें होती है उनके थ्रू हम उसको एक्सिक्यूट करते हैं। फिर हम आते हैं उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे हम ग्रेनुलर यूज़ करते हैं, मोल्ड लगा के मशीन का यूज़ करते हैं, हम लोग फिनिश गुड में चेंज करते हैं। This is the plastic raw material what we are feeding in hopper and it is getting melt and after melting servo control is electrical control. This machine is called all electrical control injection molding machine, fully automatic injection molding machine. But in this machine there is no use of hydraulic oil for any function. Okay. All the function is operated with the servo motor. Servo motor. Okay, for refilling there is separate servo motor is there, and for mold closing and opening different servo motor is. ये blind peoples के लिए देख सकते हो आप, ये ब्रेली लिख बनाई है प्लेट। ओके ये इस मशीन से बनी है, JSW फुली ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। क्रिएट वेरी लो अमाउंट ऑफ नॉइज व्हाइल ऑपरेटिंग। ओके 100 मशीन विल नॉट गिव दैट मच साउंड व्हाट सिंगल मशीन इज गिविंग। There is no use of hydraulic oil for
एनी फंक्शन ओके ऑल द फंक्शन इज ऑपरेटेड विद द सर्वो मोटर थे जितनी मशीन थी ये इंजेक्शन मोल्डिंग करती थी ये वाली भी पर ये जो है ये एक्सट्रूजन के लिए है थ्रेडेड कंपोनेंट मोड लाइक दिस इंटरनल थ्रेडेड कंपोनेंट ओके मोल्ड विल ओपन लाइक दिस बाय रोटेटिंग द कोर ओके द कोर विल रोटेट व्हाइल इजेक्टिंग द प्रोडक्ट सो दैट दिस इंटरनल थ्रेड शुड नॉट बी डैमेज दिस इज वाइंड हीटर टू हीट द बैरल लाइक दिस लॉट्स ऑफ हीटर्स आर देयर इनसाइड फिटिंग फीड जोन कंप्रेशन जोन मिक्सिंग जोन नोजल जोन सो बैंड हीटर आर यूज्ड टू हीट द बैरल so that material can get melt plastic material okay acha because of this band heater the barrel is getting heat and by that heat material plastic material is get melt melt and the melted material is injected with the help of a screw inside the mold then this is called screw then it will go in runner through the runner and get and finally it will fill in the cavity this is the four cavity mold means at a time we will get the four product techniques are there like injection molding blow molding extrusion auto molding thermoforming compression molding transfer molding lots of FRP lots of processing technology is there one of these blow molding okay there it is used to the radiator fan cover exhaust fan for engine exhaust engine heat okay in top of the tractor or some car to fit the exhaust fan एक्सट्रूजन दिखाया इंजेक्शन मोल्डिंग दिखाई वो सब अंदर होता है यहाँ पे आए फिलहाल हम लोग देखिए कितनी अच्छी अच्छी बेंचेस बनी हुई हैं सीमेंट की अब यहाँ सब फोटो खिंचाने का प्लान है सबका अरे वीडियो यही बना ले हाँ और क्या अलग से वीडियो बना लिखा है अब हम आपको ले जा रहे हैं टूल रूम में दिखाते हैं टूल रूम चलते हैं अब हम ये देखिए टूल रूम डिपार्टमेंट है देख सकते हाँ यहाँ हो रहा है अपना वाला काम देखा आपने इधर एक डिपार्टमेंट इधर ही है हाँ एक ग्रुप अपना यहाँ है पहले से हम लोग दूसरे देखिए आप कितनी फाइन हो माय गॉड देखा आपने ये देखिए प्रोडक्ट देखा आउटर डायमेंशन मेजर किया मेजर करने पर किससे मेजर करेंगे वर्नियर क्लिपर हो गया माइक्रोमीटर हो गया इनसाइड आउटसाइड ओडी आई डी मेजर किया थिकनेस वॉल थिकनेस मेजर किया थिंकेज वैल्यू मेजर किया डिजाइन पे ऑटो कैड मिले गए हमने उसको टू डी डायमेंशन से थ्री डी को टू डी डायमेंशन से हमने इसको एक शेप दिया और उसको फिर 3D में कन्वर्ट किया फिर जो है कन्वर्ट किया फिर प्रोटोटाइपिंग के लिए हमने 3D प्रिंटिंग मशीन पे प्रोटोटाइप बनाया उसका मॉडल बनाया डिजाइन बनाया लगे इसमें 2x2 का होल मार तो बराबर थ्रू आउट होल करना मेरी बात सुनना थ्रू आउट अगर ड्रिल करना है होल करना है तब क्या करें अब तो पहली बार ही लगाए हमारा मशीन ब्लॉक हो गया प्रोग्रामिंग पैनल हो गया मशीन प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम इसी में जो है फीड किया जाता है पेन ड्राइव से कॉपी पेस्ट किया जाता है ठीक है पेन ड्राइव से कॉपी पेस्ट ये देखो पेन ड्राइव लगी हुई पेन ड्राइव से कॉपी पेस्ट किया प्रोग्राम फोल्डर में डाला और उसी के नाम से हमने प्रोग्राम ले लिया जिस पार्टी का है जिस मान लीजिए ये हमारा फोर व्हीलर गियर बॉक्स का है गियर बॉक्स या गियर का जो है फ्रेम है तो उसके नाम से गियर फ्रेम के नाम से हमने एक फाइल बना के कॉपी उसके नाम से जितने प्रोग्राम है उसमें हमने कॉपी कर लिया और उसमें जब प्रोग्राम ओपन करते हैं तो सारे जो है उसमें खुल के आते हैं कि इस प्रोपोर्शन के लिए हम इसमें 3D में चला के भी देख सकते हैं साइड में कि इस पोर्शन के कटिंग के लिए हमने ये जो है प्रोग्राम है और कोर पोर्शन उधर रखा हुआ कोर इंसर्ट और कैविटी इंसर्ट बनाई जा रही है कोर इंसर्ट एक बैक प्लेट में मतलब नट बोल्ट की मदद से जो है पीछे सेट की जाए और ले जाके इसी में जो है बैठा दिया जाए जो है कटर बॉडी होती है लेंथ में रहती क्योंकि अभी ये जो है लेंथ में काम करेगा तो यहाँ से फिर टकराना नहीं चाहिए ना इसलिए जो है कटर बॉडी लगा के अभी मान लो हमको
ये हो गया तुम्हारा एडाप्टर, ठीक, एडाप्टर का सैंक हो गया, ये एडाप्टर का सैंक हो गया, ये एडाप्टर हो गया, एडाप्टर में कटर को जो है फिक्स करेंगे, फिक्स करते हैं, मतलब आपने पढ़ा होगा ये सीएनसी ईडीएम मशीन जी, ईडीएम पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, जी जी जी, तो उसमें एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, जी, जो आपस में जो है इलेक्ट्रिक उससे स्पार्किंग करते हैं और जो है कार्बन फॉर्म में मटेरियल को रिमूव करता है, और जो भी अपना शेप एनोड का होगा वो कैथोड में बना देगा, जैसे यहाँ पर ये लगाएंगे एनोड और ये हो गया कैथोड, तो अगर मान लो ये हमें कहीं उतारना है एनोड को तो यहाँ पर हम बार 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 जो है स्पार्क, मतलब हम टच करा करा के स्पार्क कराएंगे, तो एनोड कैथोड का काम ये जो है इसकी सेप चालू रहेगी, सब वायर कट हुआ है, ये सेप कटिंग हो रहा है, यस, जो भी आप डिजाइन दोगे वो कटिंग होता जाएगा, मशीन में देख लो भाई, हाँ मशीन इतना बात अलग है, ये जो है ये देखिए वायर चल रहा है, क्या कहते हैं एक ब्रास और अल्युमिनियम का पीस है, वो जब टच कराते हैं तो मशीन के थ्रू स्पार्किंग जनरेट इसमें भी होती है, और ये हाई एमएम से 2.25 एमएम के वायर से थिकनेस, जो वायर का थिकनेस रहता है 0.25 एमएम रहता है, ठीक, और उसी से जो भी आप 2D में ड्राइंग दिए थे एलकेएम सॉफ्टवेयर पे, जो भी आप जो है ऑटोकैड में 2D डायमेंशन का जो भी आप डिजाइन देंगे, शेप साइज देंगे, इससे जो है वो कटिंग होगा, एलकेएम वायर को डालेंगे, एक मान लीजिए हमने एक जो है एक साइज शेप देना है या स्क्वायर साइज शेप में एक हमको काटना है छोटा सा पीस, तो हम किसी भी कॉर्नर पर उस स्क्वायर के किसी भी कॉर्नर पर हमको एक छोटा सा 2 mm का 3 mm का हमको ड्रिल करना ही पड़ेगा बिना वायर इंटर करने के लिए, क्योंकि ये नोजल और ये नोजल बीच में वायर रहेगा, और बस बीच में वो ये जो है यहाँ से कटिंग होते हुए आके जो है कटिंग होते हुए इधर से जाएगा, ऐसे ऐसे कटिंग, और ये प्लेट जो है इसमें लगी होगी, प्रेशर दिया जाता है नोजल से, ऊपर के नोजल से दूसरे नोजल में पानी का जो है हीट की वजह से, हाँ, वायर से हार्ड मेटल होगा वो बहुत आसानी से कटता हुआ जाएगा, वायर जिनको ब्रास का वो कोटिंग होता है, जिन ब्रास का कोटिंग होता है और ये वायर जो है कटिंग करता जाता है, एक बार कोटिंग हो गया इस बार मशीन के बैक का पोर्शन देखिए आप, और ये देखिए सिंगल वायर यूज है, तो ये देखिए वायर खराब हो गया, ये भाई की ले ले जॉब पास है, अब ये वायर यूज होके बेकार हो गया, तो अब इसको आप ले जा सकते हो, इससे कुछ भी बना लो, पतंग उड़ाओ, तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हुए, हाँ यहाँ पे हम लोग क्वालिटी टेस्ट करते हैं, और इसमें विंग हमारा आरएनडी डिपार्टमेंट, उन्होंने अभी विजिट कराया होगा, जी सर, जी सर, हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज में टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग को हमने पॉलीमर में जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इनके नाम से पता चलता है, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी में वो टेस्ट जो फोर्स रिगार्डिंग परफॉर्म करने पड़ते हैं वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में रखते हैं, जैसे यूडीएम पे टेंसाइल, फ्लेक्सुरल, आईजोन वगैरह वगैरह, ठीक है, सेम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्टिकल, थर्मल, रियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, इस तरीके से लैब हमें डिवाइड किया, तो हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के काफी सारे अलग अलग लैब है, ये है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी की लैब, मैकेनिकल लैब है, तो आप देख लें जैसे वो यूटीएम रखे हुए हैं, ठीक है, दो ये यूटीएम है, ये यूटीएम है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन, अलग अलग सैंपल परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप के यूटीएम है, सीपेट बेसिकली पॉलीमर्स पे टेस्टिंग करता है, पॉलीमर बेस्ड इंस्टीट्यूट है, हमारे पास प्लास्टिक के पॉलीमर के जो भी सैंपल्स आते हैं चाहे वो हार्ड हो सॉफ्ट हो, उसमें क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करने हैं उस रिगार्डिंग हम लोग सैंपल प्रिपेयर करते हैं, फिर यूट्यूब पे परफॉर्म करते हैं, जो फिक्चर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, फिर फिक्चर चेंज आते हैं, सॉलिड होगा तो उसके लिए चेंज आएगा, आपका रबर होगा तो वो डम्बल शेप होता है ना वो चेंज हो जाता है, जैसे ये फीचर देख रहे हैं ये फ्लेक्सुरल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग ये चेंज हो जाता है, यूट्यूब पर क्या होगा ये चेंज कर लेंगे, अगर टेंसाइल करना है तो दूसरे फीचर्स लगा दिए जाते हैं, तो ये भी यूट्यूब है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, अलग अलग टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आप सिंगल मशीन को यूज कर सकते हैं, टेंसाइल, फ्लेक्सुरल, कंप्रेसिव, शीयर,
ये सारे इसमें परफॉर्म किए थे। सेम यूटीएम है, ये यूटीएम मशीन है। हम लोग ये जो बोवन साइड बैग आते हैं बोरे, इनका अच्छा। फैब्रिक का चेक करना होगा तो इसका फीचर देखिए दूसरा है, डिफरेंट है ना, इससे फिट से ज्यादा परफॉर्म करते हैं। सेम यूटीएम है, रबर सैंपल के लिए रॉफेल हार्डनेस, हार्डनेस परफॉर्म करने के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आती है रॉफेल हार्डनेस। आईजोड मैनुअल है, अब ये आजम कुछ कहना चाहेंगे। वर्ड है हर ब्लॉक के एंड में ये लोग बोलते हैं, ठीक है यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। लेकिन ही इनके, तो में आ इनके इंस्टाग्राम में जाइए देखिए, यार मोहब्बत सब धोखा है, लड़के नहीं मिलेंगे, एक से एक लड़कियाँ मिलेंगी। क्या फर्क पड़ता है इस सवाल, तभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है तुमको, क्या इसलिए ए भाई उन लोगों से, तो यार मैं बोलूंगा वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम चाहते हो कि फ्रेम में आना, अरे मैं अरे फ्रेम ले रहा उसका नहीं, जब हमारे उसके बीच में बात हो रही है तीसरे के बीच में क्यों, बिग बॉस नहीं चल रहा है, जो फ्रेम में फ्रेम की बात कर रहा है, ओह बिग बॉस देख रहे हैं। तो गाइस हम लोग ने आपको टूर कराया, विजिट कराया इंडस्ट्रियल पॉलीमर के लिए, हमने यहाँ कई चीजें देखी, मशीन्स देखी, जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ एक्सट्रूजन देखा, इंडक्शन मोल्डिंग देखा, इंजेक्शन मोल्डिंग देखी, लेथ मशीन ऑटोमेटिक देखी, सबने देखा, कैसा लगा सबको, बहुत अच्छा लगा। पर गाइस हम आपको ऐसे ही विजिट और देते रहेंगे, लेकिन आखिरी बात मेरी याद रहे, प्यार मोहब्बत सब, हेलो बेटा, ये सब झूठा है।